हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय। ये हमारा 20 ट्यूटोरियल है जिसमें हम पढ़ेंगे रिकर्सन फंक्शन के बारे में। रिकर्सन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने ही अंदर अपने फंक्शन को कॉल करता है, उसे हम कहते हैं रिकर्सन फंक्शन। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिकर्सन फंक्शन काम कैसे करता है। सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे इंटीजर, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा उसका नाम लेंगे हम फैक्ट। उसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे इंट एक्स नेम से। फिर हम अपने मेन प्रोग्राम में दो वेरिएबल लेंगे ए एंड बी। फिर हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैन एफ कमांड का। डॉट डी यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, और फिर एड्रेस दे देंगे हम अपने वेरिएबल का। उसके बाद क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम पास करेंगे अपनी वैल्यू। हमने ए वैल्यू वेरिएबल हमने पास कर दिया। फिर हम चाहते हैं कि हम हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ मॉड डी वेरिएबल का नेम बी, बी की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे प्रिंट एफ का। फिर हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि हम अपने फंक्शन के अंदर करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले अगर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आता हो तो आपको पता होगा अगर हम जीरो पास करेंगे तो क्या होता है कि वैल्यू हमारी वन दे देता है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे एफ नेम से। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ एक्स इजिकल टू जीरो होता है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम रिटर्न करना चाहते हैं वन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर जीरो नहीं होता हमारा इनपुट, तो हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, हम चाहते हैं एफ इजिकल टू एक्स इंटू एक्स सॉरी फैक्टोरियल, अपना हम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा मुश्किल होता है टाइप और बोलना एक साथ, तो हम करेंगे फैक्ट एक्स माइनस वन। आपको पता होगा फैक्टोरियल में क्या होता है, पहले थ्री इंटू टू, तो टू के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वन किया हमने, हम वैल्यू माइनस करते रहेंगे और उसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स इंटू फैक्टोरियल, अपने फंक्शन को कॉल किया, इसने x माइनस वन की वैल्यू पास होगी। इसी लेट सपोज कि आपने 3 इनपुट दिया तो 3 इंटू फैक्ट, फैक्ट के अंदर जो वैल्यू पास होगी वो 2 पास होगी। और फिर से ये कंडीशन तब चलेगी जब तक इफ x इजिकल टू 0 ये रिटर्न 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। फिर हम क्या करेंगे, अपनी कहते हैं वैल्यू रिटर्न करेंगे किसकी वैल्यू, f की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ 5, जिसका मुझे फैक्टोरियल मिला 120। अब फिर से समझ लीजिए इसमें हुआ क्या। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को दोबारा कॉल किया, इसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। x इंटू फैक्ट ये फंक्शन कॉल करेगा, उसमें जो वैल्यू पास होगी वो x माइनस वन, x की जो वैल्यू होगी उससे एक कम। आपको पता होगा फैक्टोरियल में ऐसे ही करते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 तक कैलकुलेट करते हैं। जीरो जैसी वैल्यू हो जाएगी इसमें रिटर्न कर देंगे हम 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू कैन लर्न एनीथिंग। विजय आउट।